रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो VVMI को प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ आज बात कर रहे हैं VVA की कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि हमारी ये पहली क्लास है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट के बारे में जानना जरूरी है। तो हम कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी बात करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि VVA लिखेंगे कहाँ, मैं VVA का यूज करने से पहले हमें क्या क्या चाहिए हो, इसके बारे में एक बार हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, VVA प्रोग्रामिंग जब सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए प्रैक्टिस की टाइम। सबसे पहले जरूरत क्या है? प्रैक्टिस की टाइम। अगर प्रैक्टिस का टाइम नहीं है तो फायदा नहीं है सीखने का। उसके बाद आप जब एक्सेल ओपन करते हैं तो आपके पास डेवलपर का टैब होना चाहिए। ओके, डेवलपर का टैब होना चाहिए। डेवलपर टैब अगर नहीं है तो आप ला सकते हैं। कहां से लाएंगे? तो उसके लिए आपको फाइल मेनू बार के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, फाइल जाके एडिट्स में, कस्टमाइज रीजन, कस्टमाइज रिबन के अंदर आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है सर? ठीक है सर। यस। तो यहाँ से आपको डेवलपर टैब चाहिए। डेवलपर टैब चाहिए क्यों? नेविगेशन करने के लिए, मतलब VVA में जाने और निकलने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर? यहाँ से ओके करने के बाद आपका डेवलपर टैब आएगा, इसमें विजुअल बेसिक वगैरह है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या हमें विजुअल बेसिक VVA कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा? जी नहीं, कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें चाहिए आपको सब इसके अंदर इंक्लूडेड है, कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। राइट। अब बात करते हैं कि और क्या करना। सर आपकी थोड़ी वॉइस वो हो रही है, ब्रेक ब्रेक जैसी हो रही है सर, कुछ नेट का इशू है क्या? अभी भी ठीक है? अभी ठीक है सर। तो मैं बात कर रहा था कि हमने पहले डेवलपर टैब ला दिया, क्यों लाया? नेविगेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से आप नेविगेशन करेंगे विजुअलाइजेशन के साथ। राइट राइट। दूसरा इसमें ऑप्शन आता है कि और क्या चाहिए। सबसे पहले अपने फाइल को सेव करना होगा, जिस फाइल के अंदर आप माइक्रो लिखते हैं उस फाइल को सेव करना होगा माइक्रो अनेबल वर्क। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि डिफॉल्ट जो सेव होता है वो आपका होता है एक्सेल वर्कबुक पे। अगर आप एक्सेल वर्कबुक पे फाइल अगर सेव कर दी तो आपकी कोडिंग लॉस्ट हो जाएगी, मिलेगी नहीं। और ये प्रॉब्लम हमेशा आता है सर, हर बच्चों का साथ आता है। जब भी कोई VVA स्टार्ट करता है तो मुझे दूसरे तीसरे दिन ही फोन करता है कि सर मैंने VVA प्रोग्रामिंग बनाई, चल भी गई, फाइल को सेव कर दिया, जब मैं इसको ओपन किया उसमें था ही नहीं। ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है? यही, क्योंकि सेव एज टाइप में माइक्रो एनेबल्ड करना है बेसिकली। इसको पहले सेव करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि बाद में कहीं भूल गए इसलिए। उसके बाद आपको माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना, यहाँ माइक्रो सिक्योरिटी में जाके अनेबल। अनेबल करने इसलिए है क्योंकि फिर आपका माइक्रो डायरेक्ट रन नहीं होगा, हर बार आपको अनेबल करने के लिए मांगेगा, आपके इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग है वो वर्क नहीं करेंगे, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, इसलिए माइक्रो को अनेबल करना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, नॉट एनेबल VVA माइक्रो Not recommended, हाँ। Potentially dangerous code पर। तो ये क्या? एक सेकेंड दीजिएगा सर। Sure। तो A जो है आपका enable macros का है, इसलिए ऐसा बोला गया है क्योंकि अगर किसी unknown unknown person ने अगर आपके साथ VVA coding की coding है तो कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ तरह के कुछ harmful code आपको भेज दिया जिससे आपके सिस्टम पे इफेक्ट कर हो सकता है, आपके सिस्टम की सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अगर आप इसको अनेबल करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी अननोन सोर्स की फाइल को ओपन करने से पहले सोचिएगा, अननोन सोर्स की VVA वाली फाइल।
अब क्वेश्चन आता है कि अननोन सोर्स की वीवी वाली फाइल कैसे पता चलेगी कि इसमें वीवी है या नहीं है, राइट सर? कि किसी फाइल का इसमें वीवी है या नहीं कैसे कैसे पता चलेगा? सिर्फ फाइल के आइकन से, फाइल के टाइप से पता चलेगा। ओके ओके, जैसे कि आप यहाँ पे इस ए आपको दिख रहा है ना, ये आपको एक्सेलेक्स फाइल है, हाँ ठीक है? एक मिनट, ए सारे एस एस लगा है, एक्सेलेस 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 आपका एक्स। एक्सेल थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है कि मतलब नहीं, लेटेस्ट एक्सेल बेसिकली मॉडल ये है ओपन ऐसा? सोर्स है सर, ये ओपन सोर्स अच्छा ठीक का मैं डाउनलोड किया था तो उसके प्रॉब्लम आ गया इसमें। किसी एक स्टूडेंट को ओपन सोर्स पढ़ाना था, समझे? अच्छा इसलिए एक दिन के लिए डाउनलोड किया था, हटाया नहीं मैंने, गलत सिस्टम में छोड़ दिया। सर एक चीज बताइए, जो रिकॉर्डिंग वीडियो मैं कर रहा हूँ, सपोज अगर इसको मेरे को देखना है वापस या सुनना है, हाँ, रिकॉर्ड राइट, जब देखिए, तो इसको मैं वहाँ पे। हाँ जैसे ही जूम आपका खत्म होगा ना सर, तो हाँ आपके माई डॉक्यूमेंट के डी ड्राइव में वीडियो को कन्वर्ट करके डाल दें, उसको जाए माई वहां डॉक पे लिख लीजिए, जूम नाम से डाला होगा फोल्डर, तो अच्छा जाइए यूज कीजिए माई माई डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट का डी डी ड्राइव। ड्राइव। जी ओके WPS, हाँ इसको मैं WPS एक बार दीजिए, WPS हाँ हाँ में ठीक इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। सर, अभी का दिख रहा है ये मेरे को डॉक्यूमेंट में, जूम में, बट कल का भी मैंने रिकॉर्ड किया था ना, तो कल के डेट में आएगा, यहाँ पे मेरे को अगर मैं डी ड्राइव में जाऊं डी माई ड्राइव नहीं सर, माई डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। हाँ माई डॉक्यूमेंट में ही हूँ मैं। मिला कि नहीं उसमें सर? आज वाला तो चल, आज वाला तो दिख रहा है, कल वाला नहीं दिख रहा। कल से आप माय डॉक्यूमेंट में कितने फोल्डर है, जूम के अंदर कितने फोल्डर है सर? सर वहां पे सिर्फ डॉक्यूमेंट दिख रहा है और उसमें एक कस्टम ऑफिस टेम्पलेट है, एक जूम है, और जूम में जाता हूं तो सिर्फ अभी वाला दिख रहा है। तो जूम के अंदर एक ही फोल्डर है। हाँ देखिए इस तरह का और बनाता है, 29-8 सब देखिए 29-8 का दिख रहा है डाउनलोड, देखिए रिकॉर्डिंग। इस तरह से बनाता है, बताता हूँ आपको कि जूम में जब जाइएगा ना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर में आइएगा, माई डॉक्यूमेंट जो होता है ना उसके अंदर फोल्डर बनेगा हाँ जूम का, इस तरह के हाँ ये जूम का जो फोल्डर जूम दिख का रहा है, राइट, फोल्डर, ऐसा ही है। इसके इसके अंदर जो है ना आपको कई सारे फोल्डर्स में डेट बाइज फोल्डर होंगे। अच्छा इसमें अभी तो मेरे को एक ही दिख रहा है। खैर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कल हो की तो सकता है वैसे भी कल कुछ का है। वो रिप्लेस कर दिया, तो हर दिन का कॉपी करके उसको और रीनेम कर लीजिएगा, ठीक है सर, ठीक है? ओके सर। अब आ गए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आइकन देखिए, सबसे पहले ये आपके बात करते हैं जो ये आइकन दिख रहा है ना, ये वाले हो गए, इस तरह के आइकन हो गए, या ये आइकन हो गए, ये सारे आइकन क्या है? ये सारे आइकन आपके डॉट एक्सएलएक्स एक्स, मतलब कि ये एक्सेल की फाइल है, इसमें किसी भी कंडीशन से वीवीए नहीं हो सकता क्योंकि वीवीए को कैरी नहीं करता है, ठीक है? ये जो आइकन है ये वीवीए को कैरी नहीं करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा पुराना एक्सेल नहीं होना चाहिए, एक्सेलस एक्स जो था 2003 वाला फाइल जो था उसमें वीवीए कैरी होता है, उसको ध्यान रखिएगा। अच्छा एक्सेलस एक्स होता है, एक्सेलस ए हो गया, एक्सेलस टी हो गया, ये सब वीवीए को कैरी नहीं करता, ठीक है? तो सर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने बोला 2003 एंड ऑनवर्ड्स, वो सबको एक्सेल एक्स एक्सएल नहीं, एस एक्स बोलते हैं, करेक्ट? 2003 में, 2003 के जो फाइल होते थे और उसका एक्सटेंशन जो होता था डॉट एक्सेलस एक्स होता, एक्स नहीं होता था लास्ट में, एस होता था सर, अच्छा एक्स एक्सेलस ये नहीं होता था। एक्सएलएस,
अच्छा, ठीक है और ये किस में भाई, आने लगा जो एक्स है बाद में, वो 2007 ऑनवर्ड, और 2007 2007 ऑनवर्ड्स? ओके ठीक है ना, जिसमें 65,000 रो होती है ना, जिस हाँ उसमें हाँ आपको वीवीए कैरी होता है, जिसमें 10 लाख हाँ रो है उसमें वीवीए कैरी नहीं होता है। ओके, तो वीबीए कैरी होता है जो 2007 ऑनवर्ड्स है, राइट? उसके पहले में नहीं होता है? उसके पहले में होता है, उसके बाद में उसके लिए अलग फाइल टाइप आ गई वीवीए के अच्छा पास, अच्छा, मैंने उसके 97, उसके 2003 और 2000 उसमें होता है, और हाँ, 2007 ऑनवर्ड्स देयर इज अ 2003 डिफरेंट से, एक्सपेंस। 2003 उससे पुराने वर्जन थे, उसमें एक ही फाइल था जो कि वीवीएक्स दोनों के लिए था। ओके लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन आपका आया एक्सेल 2007 ऑनवर्ड, इसमें जिसका एक्सटेंशन चेंज हो गया एक्सेल डॉट एक्स, तो जो कि ये है, दिख रहा है आपको ये सब जो है हाँ, आपका एक्सेल फाइल का है, इस सब में आपका वीवीए कैरी नहीं होगा, इसमें सिर्फ डेटा होगा। ओके लेकिन ओके जिसके जिसमें इस तरह का दिख रहा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, इसका एक्सटेंशन होता है एक्सलेस एम, ओके, इसमें वीबीए वीवीए कैरी मैक्रो होगा, इनेबल्ड। इसमें वीवी कैरी होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वीवीए होगा, ये वीवीए को भी कैरी करता है लेकिन डेटा भी कैरी करता है। तो ऐसा ओके हो सकता है कि इसमें डेटा हो भी हो सकता है, वीवी भी हो सकता है, या फिर सिर्फ डेटा हो सकता है, या सिर्फ वीवी हो सकता है, समझ गए? ओके जी, तो डॉट एक्सलेस एम, जो कि हमने बताया था आपको एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक, एक्सेल हाँ माइक्रो अनेबल वर्कबुक जब सेलेक्ट करते हैं तो डेटा और वीवीए दोनों को कैरी करता है, ओके समझ गए? यस, लेकिन और एक उसका बार, कोड होता है एक्सेल SM, राइट? हाँ एम, हाँ एक्सेलेस एम, एम लगा होता लास्ट में, ठीक, ये जो कैरी दिख रहा है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सेलेस ए, लास्ट में क्या लगा होता है ए, ए इसका मतलब है कि एड इंस, ये सिर्फ वीवीए को कैरी करता है डेटा को नहीं, और मोस्टली एड इंस के रूप में ये माइक्रो आपको मिलते हैं। अगर आपको एड इंस के रूप में माइक्रो मिले तो अननोन सोर्स ने भेजा है, तो खोलने से पहले एक बार माइक्रो को डिसेबल करके उसकी कोड को देख ले, उसके बाद खोले, अगर अनट्रस्टेड फाइल है तो। ओके, सो एडिन वाली जो फाइल होती है वो एक्सेल एस ए होती है, जो डेटा नहीं, सिर्फ वीबीए कोडिंग कैरी करती जी है। जी तो इसकी जरूरत कब पड़ती है, जैसे मान लीजिए ना कि आपने करीब 10-20 माइक्रो बना रखा है, आपने 10-20 माइक्रो बना रखा है, मैंने फॉर्मूला बना रखा है, अब आपके बॉस ने आपको फॉर्मूला लगाते देख लिया, बॉस बोले यार भैया ये फॉर्मूला मुझे भी दे दो, तो उसको आप जो है फाइल को एडिट में कन्वर्ट करके दे दीजिएगा, वो अपने एक्सेल में ऐड कर लेगा, तो सारे फॉर्मूले उसके एक्सेल में वर्क करना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी को भी अपना कोड आपको देना है, तो अगर आप कोड को कॉपी करके पेस्ट करके भेज देंगे तो पता नहीं पर वो पर्सन कोड को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाया कि नहीं कर पाया, क्या कुछ गड़बड़ कर सकता है, गलत लिख सकता है यस, तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट उसको एडमिन बना कर देते हैं कि भैया तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम फाइल में जाके एडमिन पे जाके ऐड कर लो, ऐड करते ही वो सारे फीचर्स जो मैंने कोड किए हैं आपके एक्सेल में आ जाएंगे। और वो कैसे होती है वो फीचर्स? यहाँ पे फाइल के अंदर ऑप्शंस के अंदर एडिंस, ठीक है, यहाँ पे जाके ऐड करना, एडिंस के अंदर ऑप्शन आएगा, गो पे जाएंगे ना, ये आया ऑप्शन आएगा, ब्राउज करके सेलेक्ट करके ऐड कर लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे अपने ऐड कर रखे हैं कई सारे, ठीक है, तो ब्राउज करके अगर मैं एक्सेल ए को सेलेक्ट कर लूं, तो वो हाँ सारे जो सारे जो फॉर्मूलेस थे आपके वो कोड मेरी के एक्सेल में आ हाँ जो जाएंगे? भी आपने उस एडिंस फाइल में कोडिंग की हुई है ना, वो कोडिंग सारी कोडिंग यहाँ पे वर्क करेगी, ओके सर। ठीक है। तो हमने आपके साथ बात की कि आपके पास माइक्रो सिक्योरिटी एनेबल होना चाहिए, और माइक्रो सिक्योरिटी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये भी आपको हमने बता दी, राइट। जी उसके बाद हम बात करेंगे कि विजुअल बेसिक पे जाइए, देखिए विजुअल बेसिक को ओपन करने का शॉर्टकट होता है Alt F11, Alt F11, ओके ये अगर मान लीजिए जिसमें डेवलपर टैब नहीं है उसमें भी खोल सकते हैं, और यह Alt F11 सारे में वर्क करता है, आप एक्सेल खोल लीजिए, वीवीए खोल लीजिए, सॉरी एक्सेल ले लीजिए, एक्सेस ले लीजिए, पावर पॉइंट ले लीजिए, सब में आप करेंगे तो उसकी कोडिंग खुल के आ जाएगी आप, ओके, ओके। तो तो ये इसमें बेसिकली शॉर्टकट है। हाँ
जैसे इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करते ही आपके जो खुलेंगे वो खुलेंगे, इसको बोलते हैं विजुअल बेसिक एडिटर, विजुअल बेसिक एडिटर। एडिटर। तो इसके अंदर जितने भी मैक्रो पहले से बने हैं उसका लिस्ट आपको आ जाएगा कि कहाँ कहाँ मैक्रो बने हैं, कहाँ कहाँ मैक्रो आपने बनाए हुए हैं। जितने भी सीट लिस्ट है यहाँ आएगा, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जहाँ से आप नेविगेट करेंगे कि आपको माइक्रो प्रोग्रामिंग किस फाइल में करनी है, और जिस भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी नीचे प्रॉपर्टी में दिखाएगा, जिसको प्रॉपर्टी बार हम करते हैं, और जो व्हाइट एरिया है इस पर हम कोडिंग करते हैं, जो कोड एरिया करते हैं। ठीक है, तो व्हाइट एरिया कोड लिखे तो कोड स्टोर कहाँ हो रहा है, तो सीट 3 पे हो रहा है। मॉड्यूल्स को सेलेक्ट करके डबल करके ओपन किया, आप कोड करेंगे तो कोड कहाँ स्टोर हो रहा है, मॉड्यूल्स में। ओके, मॉड्यूल। तो अगर दोनों आप मान लीजिए कि आपके पास नहीं है तो आप यहां से ला सकते हैं। F4 इसका शॉर्टकट होता है प्रॉपर्टी के लिए, Ctrl R शॉर्टकट होता है आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोर के लिए, मतलब कि ए इसकी जरूरी है, क्योंकि आप मैक्रो का तो नेविगेट करोगे ना कि कहाँ मैक्रो लिखना है, तो यहाँ पे यहाँ से आपको जाना होता है। ठीक है, ओके सर, एक डाउट है। ये जो जैसे सीट्स यहाँ पे ली हुई है, सपोज 1, 10, 2, 3 जो भी है, एंड देन नीचे मॉड्यूल है, राइट? तो हम लोगों को कोड बेसिकली कहाँ सेव करना चाहिए? मैंने हम लोगों ने जो हाँ पहले एक्सेल वही सीट वही सेव आपको मैं करी थी। वही आपको मैं समझा रहा हूँ अभी, अगला टॉपिक वही है। ओके देखिए, जब भी कोई कोड लिखेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। मान लीजिए मैंने सीट 1 पे क्लिक किया और इसके अंदर आपने कोड लिख दिया, एक मैक्रो मान लीजिए बना दिया, राइट। मैक्रो बनाने के बाद जैसे ही मैं सीट 1 पे जाऊंगा, अगर मैंने सीट 1 को डिलीट कर दिया तो कहने का मतलब यहां से हट जाएगा, तो आपका मैक्रो भी डिलीट हो जाएगा, समझे। यस और फाइल के अंदर सीट तो डिलीट होते रहते हैं ना सर, करेक्ट। तो हम यहाँ कोडिंग नहीं करेंगे। तो आप बोलेंगे सर ठीक है, दिस वर्कबुक पे कर देते हैं, ठीक है यहाँ भी आप कर सकते हैं, फिर फाइल की प्रॉपर्टी में सेव करेगा, किसी पर्टिकुलर सीट के प्रॉपर्टी पे सेव नहीं करेगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि वो किसी और फाइल को या सीट को रेफर नहीं कर पाए, मैं रेफरेंस नहीं ले पाए। जैसे वीलुकअप लगाते हैं ना, कि वीलुकअप लगाया आपने एक फाइल से दूसरे फाइल को सिलेक्ट करके डेटा उठा लेते हैं ना, इस तरह के दूसरे फाइल का रेफरेंस, दूसरे सीट का रेफरेंस देंगे तो वहां पे एरर प्रोवाइड देगा। इसलिए हम दिस वर्कबुक पे मैक्रो नहीं लिखते, हम मैक्रो को लिखते हैं मॉड्यूल्स में। ठीक है, मॉड्यूल्स को जो लिखते हैं, क्योंकि मॉड्यूल्स फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होता है, और ए पूरी तरह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और हर किसी फाइल के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज, हम इसको पर्टिकुलर एक सीट एक इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिस फाइल में आपने मैक्रो बनाया हुआ है और उस फाइल के अंदर डेटा है, डेटा आपका कॉन्फिडेंशियल है, और ये मैक्रो आपको किसी को भेजनी है, मान लीजिए मुझे ही भेजना है कि इसको ठीक कर दीजिए, तो मैं क्या करूंगा, आप मुझे मॉड्यूल्स भेजेंगे, मैं क्या करूंगा कि मैं मॉड्यूल को इम्पोर्ट करूंगा यहाँ से, ठीक है। इम्पोर्ट करने के बाद आपके कोड को सही करके सेव करके फिर एक्सपोर्ट करके आपको भेज दूंगा मॉड्यूल्स, आप इम्पोर्ट कर लोगे, समझे। तो मॉड्यूल्स जो है फाइल की प्रॉपर्टीज में सेव होती है, इसको हम इम्पोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक तो मॉड्यूल्स जो है सबसे अच्छा होता है पहले। तो अब क्वेश्चन आती है कि इन सब में फिर क्या कोडिंग होती है। जी हाँ, इन सब में कोडिंग होती है इवेंट माइक्रो प्रोग्राम। क्या होता है इवेंट माइक्रो प्रोग्राम, तो अब इसको क्या होता और है सर, एक बार डिफाइन करते रिपीट हैं, करिए, क्या इवेंट मैक्रो? समझा नहीं है। ठीक मतलब कि माइक्रो के, इसके लिए आपको माइक्रो के टाइप को समझना होगा कि माइक्रो कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। ओके तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं पब्लिक और इवेंट माइक्रो। तो आप ये ओके समझिए कि मॉड्यूल्स में आप पब्लिक माइक्रो लिखते हैं और किसी सीट या किसी फाइल के ऊपर इवेंट माइक्रो लिखते हैं। अब पब्लिक माइक्रो क्या होता है, इवेंट माइक्रो क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे लेकिन अभी नहीं, ठीक है। ठीक है अभी तो हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, जी। राइट, कि प्रिपरेशन हो क्या होनी चाहिए। तो कहने मतलब कि मॉड्यूल्स इंसर्ट करके फिर उसके अंदर जो कोडिंग करना है हम कर सकते हैं। यहां तक कि जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो रिकॉर्ड माइक्रो भी ऑलरेडी एक मॉड्यूल क्रिएट करके ही सेव करता है, ओके ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि जब भी कोई कोड
जब भी कोई आप एल बनाना चाहते हैं एक्सेल पे कोई मैक्रो को बनाना चाहते हैं तो आपके पास उसका एल्गोरिथम होना चाहिए। सर बिफोर दैट जस्ट वन क्वेश्चन, आपने जो मैक्रो वाली जो उसमें अगर आप जाएंगे वीबीए एडिटर में, ठीक है, तो वहां पे मैंने बहुत सारी सीटें दिख रही थी, राइट, जो अभी आप दिखा रहे थे ये वाली, जैसे सीट 10, 2, 3, 4, तो ये इतनी सारी सीटें बाय डिफॉल्ट दिखती हैं कि जो आपकी एक्सेल ओपन है उसमें ये सब सीटें हैं? एक्सेल में सीट्स है वही दिखती है। ओके ठीक है, ठीक है ना, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, लेकिन एक स्टेप को फॉलो करते हैं ना सर। ठीक है सर, तो अब इसमें क्या है कि हमने आपको बताया कि हर एक चीज का एल्गोरिथम होना चाहिए। देखिए जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको सिस्टम के भाषा में प्रॉब्लम कहा जाता है, मतलब कि आपको कुछ इसकी जरूरत है, इट मींस प्रॉब्लम है जिसकी सॉल्यूशन आप एक्सेल के जरिए करोगे या वीवी के जरिए करोगे, तो इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के नाम से जाना जाता है। अगर आप पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की किताबें तो वहाँ पर सिंपल लिखी रहती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट। तो क्या होता है, ये जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको एक स्टेप के साथ हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले आता है एनालाइज, कि आप चीजें को एनालाइज करते हैं, उसका सबसे छोटा तरीका निकालते हैं। फिर होता है एल्गोरिथम, ठीक है, फिर उसकी एल्गोरिथम के स्टेप को तैयार करते हैं, फिर आप कोड करते हैं, फिर आप टेस्ट करते हैं, अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप रिकोड और रीटेस्ट करें, समझे, कब तक, जब तक कि आपका 100% वर्क, तब हम अप्लाई करते हैं। और बोलेंगे सर ये सब झमेला करने की क्या जरूरत है? देखिए आप अगर अपने अपने लिए कुछ बना रहे हैं, मान लीजिए आपको एक फाइल को हमेशा काम करते हैं अपने लिए, आपको पता है उसमें क्या कंसेप्ट क्या चीजें हैं, तो आप उसको बना लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको एक बोला कि मुझे एक मेरी एक रिपोर्ट को आप ऑटोमेट कर, तो मैं बोलूंगा कि मैं रिपोर्ट कैसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, वहां जाता हूँ, याद रहेगा सर आपको? क्योंकि यहाँ स्टेप को फॉलो करना जरूरी है कि मुझे A1 के ऊपर अगर कुछ लिखना है तो सबसे पहले A1 पे कर्सर ले जाना होगा, देन कुछ लिखना होगा, तो हमें कोड लिखते समय इसका ध्यान रखना होगा ना, कि फर्स्ट select A1 then type the 500, क्या सेम थिंग यहाँ पे होता है कि आपको पिवट लगाना है तो पहले डेटा सेलेक्ट करेंगे तो पिवट लगाएंगे ना, आपको फिल्टर लगाना है पहले डेटा सेलेक्ट करेंगे फिल्टर लगाएंगे ना, तो जिस सीक्वेंस में आप काम करेंगे आपको कोडिंग भी उसी सीक्वेंस में करनी है। ऊपर नीचे कर दोगे तो फिर आपका रिजल्ट गलत आएगा या फिर आपका मैक्रो एरर। इसलिए आपको प्रॉब्लम को पहले समझ लेना है, समझने के बाद एक उसका खाका तैयार कर देना है, फिर तो उसकी एल्गोरिथम तैयार करनी है, उसका स्टेप कि पहले क्या क्या करना है, यहाँ पहले वन पे जाना है, फिर 500 लिखना है, फिर ये कंसेप्ट चेक करना है, इस कंडीशन लगाना है, अगर ऐसा ना हो तो ऐसा करना है, अगर ऐसा हो तो ऐसा करना है, ये सारे चीज़ एक स्टेप में लिख लेंगे और उसी स्टेप को आप कोडिंग के जरिए कोड करते चले जाएंगे। उसके बाद जब टेस्ट करेंगे और अपने स्टेप को देखेंगे कि मेरे स्टेप के अकॉर्डिंग कोड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना, और टेस्ट करते समय हम हर तरह के चैलेंजेस उड़ा लेंगे कि अगर क्या हो क्या ना हो तो क्या होगा, समझ गए, राइट, राइट। जैसे मान लीजिए ना अभी मेरे पास सिंपल डेटा है, तो चलो सिंपल डेटा के अकॉर्डिंग आपने माइक्रो बना लिया, इन फ्यूचर में अगर कॉम्प्लिकेटेड आया तो दोबारा से माइक्रो लिखेंगे, तो आप मैक्रो को ऐसा बनाइए कि किसी तरह का डेटा आए तो अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर, ये सारी चीजें आपको पहले सोच समझ के करनी हो। जैसे मान लीजिए कि आपने एक पिवट बना दिया कि भाई डेटा हमारा होता है ए से लेके डी 10 तक, आपने पूरी मैक्रो ए से लेके डी 10 पे लिख दी, कल के रेट में डेटा चेंज हो गया तो डेटा आपका 15 तक का डेटा आया तो क्या करेंगे, फिर कोडिंग में जाकर रीड करेंगे? चलो तो आप एडिट कर लेंगे, लेकिन जिस किसी के लिए बना रहे हो उसके लिए एडिट करना पॉसिबल होगा? नहीं होगा ना सर, या तो हमें इस हिसाब से मैक्रो बनाना सोच के बनाना होगा कि अगर कल के डेट में डेटा आपका 15 आती है तो मेरा कोड 15 तक वो कंसिडर कर ले, अगर कल के डेट में 5 आती है तो 5 तक ही कंसिडर करे, मतलब अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल हो जाए।
जी ये सर, सारी चीजें सोचनी पड़ेगी, सोच के फिर आपको उसका एक खाका तैयार करके फिर उसको बनाना होगा, फिर उसी अलग अलग एंगल से टेस्ट करना होगा। हालांकि कोई भी ऑटोमेशन एक बार में प्रूफ नहीं होती है, धीरे 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 उसमें चेंजिंग होते रहते हैं, उसको हम अपग्रेडेशन बोलते हैं। जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है हम उसको अपडेट करते रहते हाँ हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमें अपडेट करने के लिए कम मिले, क्योंकि हम ऐसा ही मैथड बनाओ कि होने वाले सारे चेंजेस को वो उसमें डाला हुआ, राइट तभी तो सर 100 मतलब 100% ऑटोमेशन आएगा। जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया था कि मेरे आउटलुक में एक मेल आया, मेल आते ही ऑटोमेटिकली आउटलुक क्या करेगा, उस फाइल आउटलुक का माइक्रो चलेगा, उस फाइल को एक फोल्डर में स्टोर कर देगा। जैसे ही फोल्डर में स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद एक फाइल ओपन होगी, फाइल ओपन होते ही हमारा एक रिपोर्ट बनना शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट बनने के बाद उस डेटा में रिपोर्ट बनने के बाद एक एक फोल्डर में सेव करेगा और 500 लोगों को मेल कर देगा। तो इसमें क्या है, इसमें मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, बस आउटलुक ओपन करना है, आउटलुक ओपन करना है, वेट करना है। जैसे ही मेल आएगा, मेल आते ही से सारा काम अपने आप हो जाएगा। इट इज 100% ऑटोमेशन, एवरी चीजें जो है अपने आप हो जाएगी। तो इसके लिए हमें सारे चैलेंजेस को डालना होगा, क्योंकि इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और सिस्टम तो उतना ही नहीं करेगा जितना हमने उसको कोड किया। कुछ नई चीज आ गई तो सिस्टम इग्नाइट नहीं करेगा, समझ रहे ना? आप समझ राइट लीजिए कि आपका जो रिव्यू है वो गधा प्रसाद है। आप अगर पानी मांगते हो तो आपको कंफर्म करना होगा कि पानी नहाने के लिए चाहिए या पीने के लिए चाहिए। पीने के लिए चाहिए तो राइट जग में चाहिए, ग्लास में चाहिए, ग्लास में चाहिए तो शीशे ग्लास में चाहिए, स्टील के ग्लास में चाहिए, एक पूरा कंफर्म करना पड़ता है। अगर नहाने के लिए मांगते हैं तो क्या बाल्टी में चाहिए, टब में चाहिए, या डायरेक्ट मोटर लगा के पाइप दे देगा आप, समझ गया ना? जी ये पूरा कंफर्म करना। सेम तरीके से अगर आप इसमें कुछ करेंगे तो सारे कंसेप्ट आपको यहाँ क्लियर करने होंगे, तभी हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। इसके लिए पहले हमें अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसके स्टेप को समझना जरूरी होता है, समझ गया? तो जी इसके लिए आपको थोड़ी सी करनी होगी हैंडराइटिंग, मतलब कि लिखनी होगी। तो अच्छा सर, पहले कोई प्रॉब्लम को ले, उसको समझे, फिर राइट उसका स्टेप को तैयार करें, और स्टेप तैयार करने के बाद उसी के जस्ट बगल में, अब जैसे एग्जांपल कि मुझे यहाँ पे नेम लिखने हैं, मुझे यहाँ पे रोल नंबर लिखने हैं, और यहाँ पे मुझे मार्क्स लिखने हैं, ये मैक्रो बनाना है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसके लिए एल्गोरिथम क्या हो, तो हमने एनालिसिस तो कर लिया अपना, क्या सर? तो एनालिसिस कर लिया, अब इसमें क्या कर रहा हूँ, इसका एल्गोरिथम तैयार कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट, मतलब कि डिक्लेयर द मैक्रो। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा कि पब्लिक मैक्रो बना दो या इवेंट मैक्रो बनाना है, अब जिस चीज आपको समझानी हो स्टार्ट के बगल में। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कि सेलेक्ट A1, कि भाई A1 पे कर्सर ले जाओ, ठीक है? एंटर नेम, इसके अंदर नेम टाइप करो, देन सेलेक्ट B1, B1 पे कर्सर ले जाओ, एंटर रोल, इस पे रोल लिखो, ठीक है? सिलेक्ट C1, एंटर मार्क्स, और बाद में कुछ और देना देना बंदा भाई ऐप। अब इसके सामने आपको ये सब चीजें किस पे करनी है, एक्सेल पे नहीं करनी है सर, आपको ये चीजें आपको अपने डायरी में करनी है, नोट पैड पे, ठीक है? उसके बाद इसके बारे में कोड लिखो भाई, इसके अंदर इसके सामने कोड लिख दीजिए, सब RR ब्रैकेट ओपन करो, ये हो गया आपका माइक्रो। रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, हाँ यहाँ पे सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू, इस तरह से इसके सामने उसका कोड आप लिख दें। अब इससे क्या फायदा होगा, दो फायदे हैं। एक तो आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, लिखने की नहीं, वीवी कोडिंग की प्रैक्टिस होगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को 2-3 बार लिख लेते हो तो आपकी आपको याद हो जाती है। बचपन में इस फॉर्मूला को हमने बहुत अपनाया हुआ है, ठीक है सर? जी दूसरी चीज, अब एक कोड है,
जैसे इंग्लिश में वर्ड मीनिंग के लिए हम लोग डिक्शनरी रखते थे, और जो वर्ड मैंने डिक्शनरी में नहीं है उसको हमें कॉपी में नोट करते थे, जब तक कि हमें वो मेमोराइज नहीं हो जाती है तब तक। तो सेम चीज यहाँ पे होगी कि अगर आप जो माइक्रो जो भी बनाते हो, जो मैं बनाऊँ चाहे आप बनाए, उसको एक रजिस्टर में आप लिख लें, क्योंकि तो सिस्टम में लॉस हो जाएगी। कितना दिन संभाल कर रखोगे सिस्टम को? तो मान लीजिए चलिए आप अभी एक्सेल में यूज टू है, वीवी यूज टू है कर रहे हैं, ऐसा हुआ कि आपकी डिपार्टमेंट चेंज हो गया, प्रोसीजर चेंज हो गया, आपके पास वीवी को तो जरूरत पड़ती नहीं है, 2 साल तक आपने कोई वीवी यूज नहीं किया, 2 साल बाद सडनली आपको वापस फिर चेंज कर दिया गया जहां वीवी के बहुत यूज है, दैट टाइम आपको ये डायरी बहुत सपोर्ट कर। बात समझ रहे हैं साकेत जी? जी, तो बेसिकली आप बोलना चाह रहे हैं कि बेसिकली नोटपैड में या कहीं डायरी वगैरह में नोट करके रखना भी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आप सारे माइक्रो जी एग्जाम्पल को नोट कर लें ताकि पता चल जाए, जी एल्गोरिथम के साथ लिखिएगा ताकि पता चल जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कि आपने, आपको भूल गए कि भाई किसी सिलेक्टेड सेल पे वैल्यू कैसे डाले, तो यहाँ पे लिखे एंटर द नेम सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू 12, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि तो आपकी कंप्यूटर हर जगह एक्सेसिबल नहीं ना होगी, समझ आए राइट ना, जी तो होगी, और कंप्यूटर में तो रिप्लेस राइट होते रहते हैं। राइट इसलिए पहले दिन मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, यूज द डायरी एंड पहले एल्गोरिथम बनाए और उसकी नोट नोट करें। दूसरा फायदा ये होगा कि आप लिखते हो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चीज का कोड पता नहीं। बात समझ रहे हैं सर? जी जिस लाइन का कोड पता नहीं है उसको आप गूगल पे रिसर्च करेंगे कि भाई फलाना का क्या कोड होता है, आप पूरी की पूरी टॉपिक को नहीं रिसर्च करेंगे, आपको उस टॉपिक का क्या क्या चीजें नहीं आता है उसको रिसर्च करेंगे। समझ गए? तो जी सर आपको इजी हो जाएगा ठीक है मैक्रो सर बनाना जब आपको कोई प्रॉब्लम हो। जी जैसे मान लीजिए कि आपने, आपको एक रिपोर्ट ऑटोमेट करना है, रिपोर्ट में सब कुछ तो आता है बट पिवट टेबल आपको नहीं आता है, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे हाउ कैन बी हाउ कैन मेक द रिपोर्ट विद पिवट टेबल विद यूजिंग द वीवीए, तो दिक्कत हो जाएगी आप, क्योंकि तो पिवट टेबल सिर्फ नहीं लगाना है, और भी बहुत सारा डेटा क्लीन क्लीन करना है, डेटा चेक चेक करना है, सेलेक्ट करना है, फिर चार्ट वार्ट सब लगाना है, कॉपी पे सब करना है ना सर। तो आपने क्या किया, उसका एल्गोरिथम बना लिया और उसके सामने आप कोड लिख दिए, जिस लाइन का कोड नहीं आया उसी कोड, उस लाइन को गूगल पे सर्च करें या मुझसे पूछे कि भाई इसका कोड क्या होता है, या रिकॉर्ड करके चेक कर लें, उसके बाद वीवी प्रोग्रामिंग यूज करें। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये प्रोसीजर को आपको हमेशा फॉलो करें, जब तक कि आपको वीवी पे कॉन्फिडेंट नहीं आता है तब तक। ओके सर समझ में आया? जी चलिए तो आज इसकी आप देखिए, और जो मैं रिकॉर्डिंग दिया था उस रिकॉर्डिंग को कंप्लीट कर